राम धर्म की हर हर महादेव धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव पूरा सब मैं तब ना हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त मनोज कुमार वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो बाबा जी बैठे हैं, ये हम लोग का बोकारो सिटी में बहुत दिन से हैं। और चलिए बाबा जी से कुछ बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितना दिन से है और यहाँ पर और कितना दिन रहेंगे और क्या क्या करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। मेरे जो दर्शक सब है उन लोग को थोड़ा अपना बारे में बता दीजिए, यहाँ आप यहाँ कितना दिन से हो, क्या क्या करते हैं बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम नागा बाबा दिगंबर अग्रवाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हम लोग हैं, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से हैं। हमारे काम धर्म प्रचार है, हम लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं प्रचारक हैं और यहाँ 16 से हूँ। 16 से मैं यहाँ पर आया है और इस स्थान के जल निर्माण किया है। भगवान का भजन भाव अपना चलता है, भजन आते हैं अपने भगवान जी पूजन वगैरह अपने करते हैं। जिस जैसी श्रद्धा जैसी उनके साथ परमात्मा की कृपा सदैव साथ रहता है। और हर साल भगवान का स्थापना जैसे कि स्थापना दिवस मनाया जाता है, 16 से अब तक है छठा स्थापना दिवस है, 17 में स्थापना की है, 16 में आए थे एक साल तो बहुत परेशान रहा। परेशानी के कारण है कि कुछ है सरकारी दबाव कुछ जो कि हाँ गुंडा बदमाश कुछ जो कि हाँ जो बदमाश जिनसे गलत था, लेकिन धर्म का जो कि झंडा सदैव ऊंचा रहता है, इसलिए परमात्मा हमारे साथ हैं और हमारे सिटी के बच्चे के भक्त भी हमारे साथ हैं। तो बाबा जी आप भोजन में क्या क्या करते हैं, सादा भोजन या फिर क्या भोजन? शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसे जब अनुष्ठान कोई वगैरह चलता है तो फलाए जाते हैं, ऐसे शुद्ध शाकाहारी अपना आहार व्यवहार हम लोग चलता है, अनुष्ठान अगर होता है तो फलाए जाते हैं। तो बाबा जी आप कहीं पूजा करने के लिए जाते भी हैं या फिर यहीं पे आप रह के तपस्या करते हैं पूजा करते हैं? नहीं, ऐसा बात है वैसे समय समय अनुसार स्थान जो भी अखाड़े का अपने लोग है वहाँ जो बुलावा होता है तो वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि भारत का कितना शहर घूमे हैं अभी तक? हम लोग अखिल भारतीय से अखाड़ा परिषद से हैं तो इसलिए करीब करीब पूरा भारत हम लोग का पूरा भारत अखिल भारतीय से आप लोग पूरा भारत घूम चुके हैं और 2016 में बोकारो आए हैं। हाँ, यानी उज्जैन कुंभ के बाद से इधर आया था माँ छिन्नमस्तिका का अपना दर्शन के लिए। तो यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का 10 महाविद्या का एक स्थान है, तो यहाँ पे आया था। फिर वहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आया तो गौ माता का समाधि था, वहाँ हनुमान जी की एक झंडा था और झंडा तो वहाँ पे नदी किनारे है, कचरे का अंबार था और वहीं पे गौ माता की समाधि थी, कचरे का अंबार था, झंडा के मतलब नेता होताओं को बहुत कचरे में अपना समाधि दिया गया था, फुलमाला सब जो दिया गया था, फिर अपना भूल गए। हनुमान जी का अपना झंडा वहाँ था और कचरा वचरा पूरा सिटी का अपना नगर निगम द्वारा सब फेंका जाता था, ये था कुछ लोग पेशाब वगैरह भी करते थे तो हमको नज़र पड़ा तो बहुत बुरा लगा। तो हमने सोचा भाई क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ का कुछ धर्म से सबकी जो जितने भी सनातन धर्म को चाहने वाले हैं सबकी आस्था जुड़े और सबके मन में लालसा हो। तो यहाँ पे हमने जो कि खड़सली तपस्या किया और 108 घंटे का तब से साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के टाइम में अखंड कीर्तन करते हैं हर राम हरे कृष्ण का। और यहाँ धीरे धीरे रहते रहते हैं भक्ति द्वारा अपने कार्य। तो बाबा जी ये बताइए कि यहाँ पे जो ये आप आग जलाए हैं, ये हमारी धुनी है बच्चा, ये आप लोग देख सकते हैं कि बाबा जी यहाँ पे आग जलाए हुए हैं, यहाँ पे धुआं उड़ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बाबा जी से हम लोग बातचीत करते हैं, पूछ लेते हैं। तो बाबा जी इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारी अखंड धुना है, अखंड धुना जो हमेशा यहाँ धुआं होना ही चाहिए, हमेशा जब तक हमारा साल में 40 दिन 41 दिन 7 महीने का हम जो तपस्या करते हैं। तो बाबा जी आप भारत के सनातनियों को क्या बोलना चाहते हैं? अभी बहुत ऐसा आदमी लोग है जो सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, वो अपना संस्कृति भारत का संस्कृति ये सब भूलते जा रहे हैं, पूजा ये सब बहुत कम करते हैं बहुत आदमी लोग। तो सनातनियों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों? सब प्रमुख के लिए बोलिए, सनातन के लिए यही उपदेश देना चाहेंगे कि अपना सदियों पुराना सनातन का जो आप आबाद रखें भूले नहीं, वही हमारा सब कुछ है। अच्छा बाबा जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं
जैसे कि सनातन धर्म जो है ये हम लोग का भारत में कब से मतलब है सनातन धर्म? सनातन हमारा सदियों से है। सदियों से? सदियों से है। अच्छा, सनातन से पहले कोई नहीं है, सबसे पहले सनातन है, ठीक है। सनातन से पहले कोई नहीं है, और यही है, ये सब के यानी सारे धर्मों का बाप इसको दादाजी कहते हैं ना, सारे धर्म का जिसका जितने भी धर्म है उनका बापों का बाप है सनातन, तो यही सब निकला है, चाहे जो भी धर्म से इससे ही सब अपना होकर अपना अलग अलग हो गया है। तो हम अभी का समय में देखते हैं कि जैसे कि वोट वगैरह होता है तो धर्म के अनुसार बांटा जाता है वोट को, तो नहीं, नहीं, क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक चीज़ों में? राजनीतिक के चक्कर में ये तो अपना सोच अपना अपना विचार है, और ये है कि उनके धर्म के मामले में हम लोग राजनीति में नहीं जा सकते ना, होना भी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति अपना जगह पर है, धर्म हमारी जगह पर है, धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना ही हमारे जैसे ये जीवन मिला है। तो हेलो दोस्तों, देख लिए आप लोग बाबा जी से, हम जो कि हम बोकारो के खुद है, और हम बोकारो के एक यहाँ गारगा पुल जो है उसी का एकदम किनारे और समीप यहाँ पे हैं बाबा जी। आप लोग भी यहाँ आके बाबा जी से प्रणाम करके अपना मन्नत को पूरा कर सकते हैं, तो आप लोग भी जरूर आइए और बाबा जी से आशीर्वाद दीजिए, और आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग बाबा जी का जो सनातन धर्म के बारे में जो बोले हैं बाबा जी, वो बात सब आपको कैसे लगे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लोग जो देख रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, ये यही बाबा जी का भी कहना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं जो नया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।